नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आप सबके समक्ष इतिहास विषय की 7वें पाठ स्वराज का प्रशासन में दिए हुए स्वाध्याय को लेकर प्रस्तुत हैं। पहला प्रश्न है, पहचानो तो 8 विभागों का मंडल क्या कहा जाता था? अष्ट प्रधान मंडल। इसका उत्तर ये हुआ, बैरजी नाई किस खाते का प्रमुख था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित मालवण के समीप जलदुर्ग सिंधुदुर्ग किले में युद्ध सामग्री का प्रबंधन रखने वाला कारखानीस कहलाता था। दूसरा प्रश्न है, अपने शब्दों में लिखो, शिवाजी महाराज की कृषि विषयक नीति क्या थी? देखते हैं, पेज नंबर 29 पे शिवाजी महाराज की कृषि विषयक नीति। यहाँ से मैं देखो, यहाँ पे 2.1 लिखा हूँ, मैंने दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न। शिवाजी महाराज कृषि के महत्व को जानते थे, अतः उन्होंने किसानों के हितों को वरीयता दी। उन्होंने अपने और अपने पराक्रमी और अनुभवी अधिकारी अन्नाजी दत्तों को भू राजस्व के प्रबंधन का दायित्व सौंपा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दे रखी थी कि वे निर्धारित राशि से अधिक राजस्व इकट्ठा न करें। बंजर भूमि को उपज योग्य बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया। अतिवृष्टि या अकाल पड़ने पर फसल नष्ट होती है अथवा शत्रु सेना गांव को ध्वस्त करती है, तो ऐसी स्थिति में गाँव वालों को भू राजस्व लगान और अनकरों में छूट दी जाती है। यहाँ तक लिखना है। फिर है दूसरे प्रश्न का दूसरा उत्तर, शिवाजी महाराज प्रजाहितों के प्रति एक सजग शासक। यहाँ पे देखो, यहाँ से लिखना है, 2.2 में लिखा हूँ, पेज नंबर 32 पर, प्रजा को स्वतंत्र बनाना उनका उद्देश्य था। यदि प्रजा स्वतंत्रता का सही अर्थ में आनंद प्राप्त करना चाहती हो है तो शासन का प्रशासन अनुबद्ध होना चाहिए। प्रजा के हितों के प्रति सर्वांगीण रूप से सजग रहना चाहिए और विजित प्रदेशों की रक्षा करनी चाहिए, यह बोध उन्हें था। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न आता है, क्यों यह बताओ। तीसरे प्रश्न का पहला यानी 3.1, ये देखो, राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से उसे 8 विभागों में बांटा गया था। प्रत्येक विभाग हेतु एक प्रमुख की नियुक्ति की गई। 8 विभागों के 8 प्रमुख मिलकर अष्ट प्रधान मंडल बना। इन प्रमुखों की नियुक्ति करना और उनके पद से हटाना शिवाजी महाराज के अधिकार में था। ये हो गया, इसका उत्तर पेज नंबर 29 पर है। अब दूसरा प्रश्न है, इसका तीसरे का दूसरा प्रश्न है, शिवाजी महाराज ने नौसेना का निर्माण करवाया तो क्यों करवाया? भारत के पश्चिमी तट, ये पेज नंबर 31 पर है, भारत के पश्चिमी तट पर गोवा की पुर्तगाली जंजीरा के सिद्दी, सूरत और राजापुर के गोदाम वाले अंग्रेज स्वराज के शत्रु थे और वे स्वराज के विस्तार कार्य में बाधा उत्पन्न करते थे। इन बाधाओं पर अंकुश रखना और पश्चिमी तट का संरक्षण करना आवश्यक था। इसके लिए शिवाजी महाराज ने नौसेना का निर्माण करवाया। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, चौथा, प्रवाही तालिका पूर्ण करो। सैनिकी व्यवस्था, यहाँ पे इसमें खाली जगह है तो यहाँ थल सेना अश्व सेना। अब थल सेना के दो भाग, हवालदार जुमलेदार, अश्व सेना के दो भाग, सिलेदार बारगीर। इस प्रकार से हमारा 7वें पाठ का स्वाध्याय पूर्ण होता है। धन्यवाद।